Hi everyone, today's topic is Unknown Facts, Albert Einstein. Albert Einstein was a German-born scientist, legend in physics, always great scientist all time. He is the father of quantum physics, but one thing, he is not genius in childhood. हम लोग सारे पेरेंट्स बहुत मन करते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे बने, बहुत जीनियस बने, पर आइंस्टाइन जिसके कहानी मैं बोलने जा रही आई एम गोइंग टू शेयर हियर, ही इज़ नॉट ए जीनियस एट ऑल. ही इज़ नॉट ए जीनियस इन चाइल्डहुड. बच्चे से पेरेंट्स नेवर जज देयर किड्स इंटेलिजेंस फ्रॉम बिगिनिंग. बच्चे कौन कितना इंटेलिजेंट बनेंगे, कौन कितना पढ़ाई में अच्छे बनेंगे, बचपन से पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग ऑलवेज वी प्रोवाइड बेस्ट करिकुलम, बेस्ट टेक्स्ट बुक, बेस्ट गाइडेंस, एवरीथिंग, बट इंटेलिजेंस लेवल इज नॉट डिपेंडिंग एनीथिंग. आइंस्टाइन इन चाइल्डहुड ट्रीट एज अ स्टूपिड लो इंटेलिजेंस लेवल बिकॉज ही हैज हैड सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन, एबनॉर्मल ब्रेन. ब्रेन का जो बैक का हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा था देखने में, तो इसलिए कोई कोई उसको स्पेशल चाइल्ड भी बोलते थे. आइंस्टाइन वॉज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक किड इन चाइल्डहुड, बट डे बाई डे जब आइंस्टाइन बड़े होते गए, इट इज़ टोटली प्रूव एज अ रॉन्ग, बिकॉज डे बाई डे ही इज़ वेरी मच एफिशियंट इन साइंस एंड मैथ, एंड ग्रेजुअली ही रीच टू हिज गोल. मास्टरी हासिल किया फिजिक्स में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल इन मैथ और साइंस. इसलिए जब आफ्टर द डेथ ऑफ आइंस्टाइन डॉक्टर ने लैब में आइंस्टाइन की ब्रेन की सर्जरी किया था, चोरी किया गया था आइंस्टाइन की ब्रेन. आइंस्टाइन की ब्रेन जब चोरी हुआ था, रिसर्च करने के बाद पता चला उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की ब्रेन्स की लोब्स थे, नॉर्मल इंसान से अलग. 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हो गया. एक पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे, डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनकी ब्रेन को स्टोल किए थे. स्टोल करने के बाद पता चला 17% मोर न्यूरॉन्स था आइंस्टाइन के ब्रेन में, जो उनको एबनॉर्मल साबित करते थे, बट उनका न्यूमेरिकल पावर, स्पेटियल इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा था लैंग्वेज स्किल्स से. इसीलिए ही इज़ वेरी मच जीनियस इन मैथ एंड फिजिक्स. न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा होने के कारण वो वेरी मच एक्टिव इन ब्रेन, जीनियस इन मैथ एंड साइंस. न्यूमेरिकल स्किल्स की तो एग्जाम्पल हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि ही इज़ अ फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स. ही एस्टेब्लिश डेवलपमेंट थ्योरी, डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरी ही एस्टेब्लिश इन फिजिक्स. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है दैट इज़ रिलेटिविटी थ्योरी, E=mc². फिजिक्स की बहुत फेमस थ्योरी है. इसका मतलब है that fact that mass and energy are the same physical entity and can be changed into each other. In this equation we can express this, that is called relativity, theory of relativity. Body times of the speed of light squared is equal to the kinetic energy of that body. So don't judge anyone by from childhood. Thanks for